नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। अमरजीत सिंह नामक शख्स गाने को प्रेरणा बनाकर जीता है जिंदगी। इंदौर में निगम प्रशासन शहर के अवैध पशुपाड़ों को तोड़ने में जुटा। इंदौर MY हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं का गढ़ बना हुआ है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन। शासन के स्वच्छता मिशन की पोल खुलती दिखाई दी। बेसहाराओं का सहारा बनने वाले अमरजीत सिंह सुदन हमारे साथ है। हाँ सर, तो बताइए आप कितने सालों से कर रहे हैं बेसहारा? मैं लगभग 40-45 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी गुरुद्वारे में पुजारी थे, ग्रंथी थे। उनका ये कहना था कि मानव जीवन जो मिला है इसमें आप क्या लीक से हटके अच्छा कर सकते हो। तो 14 साल की उम्र में एक माताजी को मैं उठा के ले गया था गुरुद्वारे में, उनको खाना वाना खिलाया। जब सुबह उनको देखा मैंने, रात में पानी बरसात बहुत हो रही थी, वो देख नहीं पाया। उनके पैर में चोट लगी हुई थी और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। पिताजी ने कहा आप इनका इलाज भी करो। स्कूल भी पढ़ता था मैं उस समय, ये मेरी 15-16 साल की उम्र थी। आज मैं 61 साल का हूँ। जब से लगातार कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से, तो मैं सुबह उठते से यही सोचता हूँ कि आज कोई ऐसा केस मिल जाए जो बहुत ही गंभीर हो और उसको मैं ले जाऊँ और उसका इलाज करूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू भी तो जी जमाने के लिए। जी हाँ, इंदौर शहर में अमरजीत सिंह सुदन नामक शख्स इसी गाने को प्रेरणा बनाकर बीते 45 वर्षों से दिन दुखियों, गरीबों और विशेषकर बीमारों की हर संभव मदद में लगा हुआ है। आपने आपके मोबाइल में भी रिंगटोन ऐसे ही डाल रखी, जियो तो जियो अपने। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, हर आदमी जी रहा है। किसी और के लिए इसका एक जुनून होता है, इसका एक मन में लगता है कि मुझे क्या करना है और मेरे मन को अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, घर से कोई परेशानी नहीं है। पत्नी ये नहीं पूछती कब आए कब जाओगे, क्या है क्या नहीं है। खाना तैयार मिलता, खा लेता हूँ, सुबह निकलता हूँ। मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और दवाइयाँ लेके सुबह निकलता हूँ, शाम को दवाइयाँ लेता हूँ, दिन भर घूमता रहता हूँ। खबर 9 संवाददाता प्रीति शर्मा से विशेष बातचीत में इनका कहना था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। कोई भी जैसे भगवान का नाम लेना वो भी गिनती करके नहीं करना चाहिए। अगर अपन कोई पुण्य का काम कर रहे हैं उसको गिनती में क्या रखना है। मैं गिनती नहीं करता, जो काम मिलता है मुझे दिन भर में कोशिश यही रहती कि उसको मैं निपटा दूं, उसको मैं उसके स्थान तक पहुंचा दूं। सर, लोग सुबह उठते हैं अपने कामकाज देखते हैं, लेकिन आप सुबह उठते से ही इनके बारे में सोचते हैं क्या करना है? उसका एकमात्र कारण है कि मानव जीवन जो मिला है आप अच्छा क्या कर सकते हैं। जीवन तो भगवान ने सभी को दिया है, कुत्तों को भी, बिल्लियों को भी, सबको दिया है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ऐसा कहते हैं कि आपने अगर किसी बीमार की या किसी ऐसे आदमी की सेवा कर ली तो आपने भगवान की सेवा की है। और यह सेवा कार्य यानी मानव सेवा में बीते 45 वर्षों से कर रहा हूँ। यहाँ खबर 9 ने देखा कि एक टीवी के मरीज को सहारा देकर उसे MY से एक आश्रम इलाज के लिए पहुँचाया। सर, मैंने अभी यहाँ देखा एक इंसान यहाँ पर लेटा हुआ था और आपने उसे उठाकर, तो इसे आप कहाँ भेज रहे हैं? उसको आश्रम लेके जाएंगे। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनका इलाज फ्री होता है, जैसे अब इसने TB बताई है, तो TB के आश्रम में इसको भर्ती करवाएंगे, उसका पूरा इलाज कराएंगे। इसके पहले भी TB के रोगी मिले, HIV के रोगी मिले, कई जो ऐसे बीमार मिले जिनकी दवाइयाँ बहुत सस्ती होती हैं। ये तो अब इनके साथ जाती है, इनको यहाँ भर्ती करना चाहिए। अभी कर नहीं रहे, ठीक है। आश्रम में, आश्रम मेरे मदर टेरेसा का आश्रम है, वहाँ ले जाएंगे। बहुत, मैंने गिनती नहीं की कभी। आपने देखा होगा किस तरह बेसहाराओं का सहारा बनने वाले अमरजीत सिंह सुदन जी हमारे साथ में थे। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी है। कैमरामैन राजा के साथ प्रीति शर्मा की रिपोर्ट, खबर 9। इंदौर MY हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं का गढ़ बना हुआ है। यहां से उपचार के लिए मंदसौर से आया मरीज लापता हो गया और परिजन बुरी तरह परेशान होते दिखाई दिए। इन परिजनों ने MY के डॉक्टर सहित कई लोगों से गुहार लगाई, पर इस घटना की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं दिखा, यहां तक कि पुलिस भी नहीं। हम क्या 4-5 दिन पहले मंदसौर जिले से आए थे, हाँ। यहां पे हमारे पेशेंट को लेके, हाँ। ये तो वहां पे वहां से पेशेंट में कल सुबह 7 बजे 1/3/2017 को कहीं चला गया है। इसके बारे में यहाँ के कर्मचारी वगैरह है, कोई बड़ा कोई इंचार्ज वगैरह कुछ सुनाई नहीं दे रहे है। और हम कल से भटक रहे, रात को भी ढूंढा, कल से अभी तक ढूंढ रहे हैं। ना हमने कुछ खाया ना पिया। हम यहाँ से 10-15 लोग चारों तरफ, मतलब एक तरह से ना की टुकड़ी बना के ढूंढा हमने 20-20 किलोमीटर तक। ना यहाँ की कोई पुलिस भी मदद कर रही है। अब गुमशुदा पेशेंट यहाँ से गुमशुदा हो गया है, तो फिर यहाँ की कर्मचारी अफसर लोग क्या कर रहे हैं क्या? इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद निगम प्रशासन शहर के अवैध पशु बाड़ों को तोड़ने में जुटा हुआ है। इसी के चलते पहले छतरीबाग फिर पंडेरीनाथ क्षेत्र में कार्रवाई के बाद गुरुवार को निगम की टीम ने पच्चम की फेल और कुलकर्णी भट्टा पर अवैध बाड़े हटाने की कार्रवाई की गई। आज जो कार्रवाई चल रही है संयुक्त रूप से नगर निगम का एक कार्यक्रम है,
इसमें अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, जो बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं है, जो अनाधिकृत रूप से बने हैं उनको तोड़ने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है और हम लोग यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन बैठा हुआ है। ये परदेसीपुरा इलाका है और परदेसीपुरा थाने का इलाका है। यहाँ कुल 26 बड़े पशुपालक जो है चिन्हित हैं, जिनमें आज कार्रवाई शुरू हुई है इस इलाके में पहली बार, और पहला जो मकान है वो अभी शुरू हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज करीब 8 से 9 मकान जो है गिरा पाएंगे। इंदौर के अर्जुन चौराहा स्थित मंचतेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या महेश कप्तान द्वारा प्रस्तुति दी गई। यह आयोजन शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक आयोजित हुआ। आयोजन में हजारों लोग ने प्रसादी ग्रहण की। उक्त आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दादू महाराज, तुलसी सिलावट, मोहन सिंगर, सचिन सिलावट, रमेश सिंह तोमर एवं क्षेत्रीय विधायक उषा दीदी मौजूद रही और आयोजक नीलम सोनकर, ब्रज सोनकर। कैमरामैन विवेक वंशज के साथ नरेंद्र सिंधे की रिपोर्ट। शासन के स्वच्छता मिशन की पोल खुलती हुई। मुंगावली के वार्ड क्रमांक 8 की घटना, जिसमें शौचालय के लिए खोदे हुए गड्ढे में एक सांड गिर गया, कारण शौचालय निर्माण के लिए रेत का उपलब्ध न होना। जिला अशोकनगर से ब्यूरो चीफ जयदेव रावत की रिपोर्ट। देखते रहिए खबर 9। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।